वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड, चंद्र इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे मैं आरपी मिश्रा आपका स्वागत करता हूँ। तो दोस्त, आज हम लोग आपके लिए ये सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा, जिसे हम लोअर पीसेस के नाम से भी जानते हैं, तो उस बारे में हम कुछ चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, काफ़ी पुराने स्टूडेंट हैं, काफ़ी नए भी स्टूडेंट हैं जिनको इनके बारे में सामान्य जानकारी नहीं होती, जैसे इसमें कौन कौन से पद आते हैं, साथ ही साथ इसमें कौन कौन से पे स्केल्स, आई मीन ग्रेड पेज जो हैं, और साथ में क्या माइनस मार्किंग है, नहीं है, किन पदों के लिए क्या कोई खास डिग्री चाहिए, इन सब बारे में हम बात करेंगे। और मेरे साथ आपको ये जानकारी देने के लिए एक्सपर्ट के तौर पे मौजूद हैं सीपी सर, और सर खुद एक प्रतियोगी रहे हैं, लगभग 10 सालों से सिविल सर्विसेज को पढ़ाते रहे दोस्त, और इंटरव्यू भी दिए। और मैं चाहता हूँ कि सर के मार्गदर्शन में, उनके एक्सपर्टाइज में हम कुछ बातें करें, ताकि आप इस पर इसके बारे में विधिवत जान सको। तो मैं चाहूँगा सर से, क्योंकि कुछ जानकारी मैं भी लेना चाहूँगा, और मैं चाहता हूँ कि आपके काम क्या है। तो सबसे पहले, जैसा कि मैं खुद काफ़ी सालों से गई, मैं खुद साइकोलॉजी का स्टूडेंट रहा हूँ, मुझे इस बारे में कोई बहुत ज़्यादा नहीं, पर मैं एक चीज़ मुझे हमेशा परेशान करती, मैं आज तक नहीं समझ पाया कि इसे लोअर पीसेस क्यों कहते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न जो मैं सर से पूछना चाहूँगा कि इसको लोअर पीसेस क्यों कहते हैं, मैं चाहूँगा सर आपको भी बताएँ और मुझे भी बताएँ। सर नमस्कार। सर का पहला क्वेश्चन था इसे लोअर पीसीएस क्यों कहते हैं। हम आपको बता दें कि प्रोविंशियल सिविल सर्विस, पीसीएस का फुल फॉर्म होता है प्रोविंशियल सिविल सर्विस, तो जो राज्य स्तरीय जो सिविल सर्विस का एग्जाम होता है उसको हम पीसीएस कहते हैं। इसमें दो पद होते हैं, एक अपर पद होता है और एक लोअर पद होता है। 4200 के ग्रेड पे के ऊपर वाले जितने पद होते हैं वो अपर पीसीएस के अंतर्गत आते हैं, और उसके नीचे के जितने पद होते हैं वो लोअर पीसीएस के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए सर इसको लोअर पीसीएस कहते हैं। जी जी जी, अब गाइज, आज मुझे भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। कहने का मतलब ये है कि 4200 के ऊपर के, सर के कहने का मतलब मैं थोड़ा सा सीधा सीधा कहना चाहूँगा कि 4200 के ऊपर के जो ग्रेड पे स्केल्स हैं वो अपर पीसीएस में आते हैं, और उसको नीचे के जो पद हैं इस वजह से हम इसे लोअर पीसीएस कहते हैं। तो मैं दूसरी चीज़, जैसा कि मैं यहाँ हम आप देख रहे हैं, तो मैं एक बार सर से पूछना चाहूँगा कि ये इसमें हम देख रहे हैं दो प्रकार के पे स्केल हमको दिख रहे हैं, एक 4200 का दिख रहा है ग्रेड पे, दूसरा 2800 का। तो मैं जानना चाहूँगा कि जब ये एक ही प्रकार की भर्ती में है तो इन दोनों में अंतर क्यों है, और मैं ये साफ जानना चाहूँगा कि 4200 ग्रेड पे क्या है और 2800 ग्रेड पे क्या है। सर प्लीज़ मुझे भी और लोगों को थोड़ा बताइए। सर 4200 के जो ग्रेड पे हैं उसमें तीन पोस्ट रखी गई हैं, सहायक चकबंदी अधिकारी की है, और मार्केटिंग इंस्पेक्टर की पोस्ट है इसमें, और सप्लाई इंस्पेक्टर जिसे पूर्ति निरीक्षक कहते हैं। ये तीन पोस्ट जो है 4200 के ग्रेड पे में रखी गई हैं। 2800 के ग्रेड पे में अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत है, राजस्व निरीक्षक की पोस्ट है, और जिला सूचना अधिकारी की पोस्ट है। तो ये 2800 के ग्रेड पे में है, और तीन पोस्ट जो अच्छी पोस्ट है इसमें आई हुई हैं वो सहायक चकबंदी अधिकारी की है, और मार्केटिंग इंस्पेक्टर की पोस्ट आई हुई है, और सप्लाई इंस्पेक्टर की, ये 4200 की ग्रेड। तो ये दो अलग अलग ग्रेड पे वाली पोस्ट हैं सर। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो सर मैं आपसे एक और चीज़ बताना चाह रहा हूँ, ये जो एक नया इसमें चेंजिंग हुआ है वो आयोग को लेकर चेंजिंग हुई है। चेंजिंग ये हुई है कि पहले लोअर पीसीएस का जो एग्ज़ाम होता था वह यूपी लोक सेवा आयोग कराता था। जी, जी, जी। इस बार यह जो है पद भरने के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, जिसे हम यूपी ट्रिपल एससी कहते हैं, उसको दे दिया गया है। इसीलिए मैं, आप देखेंगे कि अभी इसका जो पोस्ट निकली हुई है इसके लिए अभी डिसाइड नहीं किया गया है कि क्या सिलेबस होगा। तो आगे, हाँ, तो जैसा कि सर ने, अब मुझे भी ये बात थोड़ा समझ में आई, आशा करता हूँ कि आपको भी ये बेहतर। मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, तो सर ने जैसा कि कहा, मतलब ये है कि ये जो पे स्केल का मतलब आप देख रहे हो, इसके पदों में एक प्रकार का एक वरीयता है। कुछ पद ऐसे हैं जो 4200 के ग्रेड पे में आते हैं, जैसे आप देख सकते हो यहाँ सहायक चकबंदी अधिकारी के, जिसमें 94 पोस्ट दिखाई पड़ रहा है, मार्केटिंग इंस्पेक्टर जिसे हम विपणन निरीक्षक भी कहते हैं, इसमें 194 काफ़ी धुआंधार पोस्ट दिख रही है मेरे को, पूर्ति निरीक्षक जिसे हम सप्लाई इंस्पेक्टर भी कहते हैं, इसमें मुझे 151 पोस्ट दिख रही है। तो मतलब ये जो
पद हैं वो 4200 के पे स्केल में हैं, उसको छोड़ के अधिशासित अधिकारी जिसे नगर पंचायत भी बोलते हैं, राजस्व निरीक्षक जिसे हम सामान्य भाषा में कानूनगो बोलते हैं, और अपर जिला सूचना अधिकारी यह जिसे इसके लिए शायद हिंदी होना शायद जरूरी है जैसा लिखा हुआ है ब्रैकेट में, तो ये वजह है जिसके वजह से ये ग्रेड पे स्केल्स और उसको छोड़कर ये जो ये 2800 है। और जैसा सर ने आपको एक बात बताऊं, इसके पहले जैसे सर ने बताया कि जो लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम होता था वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कराता था, पर अब से इन पदों को डाल दिया है गया है किसमें, यूपी ट्रिपल एससी में। तो ये तो रहा इसके बारे में जानकारी। दूसरी बात मैं एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, तो यह दूसरी बात सर से मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये पदों का जैसे वहाँ पर लिखा है वरीयता कम, तो मैं जानना चाहूँगा कि ये पदों का वरीयता क्रम क्या है, ये किस तरह से निर्धारित किया गया है सर, मैं चाहूँगा आप बताएं। सर मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये 4200 की ग्रेड पे में सहायक चकबंदी अधिकारी जिसमें 94 पोस्ट है, इसके बाद विपणन अधिकारी जिसे हम मार्केटिंग इंस्पेक्टर कहते हैं इसमें 194 पोस्ट है, और इसके बाद पूर्ति निरीक्षक के 151 पोस्ट हैं, तो ये 4200 के ग्रेड पे में है। और इस पोस्ट में 4200 की ग्रेड में केवल 3 पोस्ट ही है, सहायक चकबंदी अधिकारी, विपणन अधिकारी और पूर्ति निरीक्षक यानी सप्लाई इंस्पेक्टर। 2800 के ग्रेड पे में अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत है जिसे हम शॉर्ट में ईओ बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिसको बोलते हैं, इसके बाद राजस्व निरीक्षक जिसे हम शॉर्ट में कानूनगो, आम बोलचाल की भाषा में हम उसको कानूनगो कहते हैं, इसकी 26 पोस्ट है। और 2800 के ग्रेड पे में सर एक जिला अपर जिला सूचना अधिकारी जिसके लिए हिंदी का होना आवश्यक है, ये हिंदी के नाम से आई हुई हुई है कि अपर जिला सूचना अधिकारी हिंदी, ये इसमें 11 पोस्ट है। सर आपको बता दें कि एक और 2400 की ग्रेड पे की एक और पोस्ट है जिसे सहायक उद्यान निरीक्षक भी है, इसमें कुल 89 पोस्ट है, तो ये 2400 की ग्रेड पे की भी एक जो है पोस्ट इसमें है। जी सर, थैंक यू सर। जैसा कि सर ने आपने बताया वास्तव में 2 नहीं इनफैक्ट 3 पे स्केल है, एक 2400 की भी पे स्केल है जैसा सर ने आपको बताया। तो यह रहा दोस्त पदों का वरीयता क्रम, ये वरीयता क्रम से अर्थ था। मैं यहाँ पे सर देख रहा हूँ कि मैं जैसा कि मुझे लग रहा है यहाँ पे है सिलेबस क्या हो सकता है, क्या सर इसका मतलब ये है कि सिलेबस अभी तक निर्धारित नहीं है, सिलेबस अब डिसाइड किया जाएगा, इसके बारे में सर प्लीज़ मुझे बताएं। जैसा सर आपने कहा कि अभी सिलेबस डिसाइड नहीं किया गया है, दरअसल पहले मैं सर आपको पहले ही बता चुका था कि यह पहले एग्ज़ाम जो है वह यूपी पीसीएस कराता था, यूपी लोक सेवा आयोग कराता था, तो उसका एक अपना अलग सिलेबस था, लेकिन इस बार चूँकि ये एग्ज़ाम जो है यूपी ट्रिपल एससी करा रहा है यानी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग करा रहा है, और वह अभी सिलेबस डिसाइड नहीं हो पाया है। सिलेबस इसलिए डिसाइड नहीं किया जा रहा है कि क्या वही सिलेबस रखा जाए या कोई अलग से। और दूसरी चीज़ ये कि इस बार चूँकि इस पोस्ट में जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से पोस्ट आ रही हैं उस पोस्ट में इंटरव्यू नहीं होगा, और उसका जो सर नोटिफिकेशन आया है नोटिफिकेशन में 2 चीज़ें लिखी गई हैं कि प्री एग्ज़ाम होगा और अथवा मेंस होगा और अथवा केवल मेंस होगा। ये अब जितने फॉर्म पड़ेंगे सर वो फॉर्म के अनुसार ही यह डिसाइड किया जाएगा कि केवल मेंस कराया जाए या प्री अथवा मेंस दोनों कराया जाए। तो जैसा फॉर्म पड़ेगा मित्रों, यदि ज़्यादा फॉर्म पड़ेगा तो उसमें प्री भी कराया जा सकता है। जैसा मैं बता दूं कि प्री एक छंटनी एग्ज़ाम होता है, क्योंकि सारे लोगों का मेंस नहीं कराया जा सकता, इसीलिए प्री एक छंटनी परीक्षा होती है कि भीड़ से हमको बहुत अच्छे अच्छे को क्रीम लोगों को चुनना है, उन्हीं का हमको मेंस कराना है। तो संख्या यदि ज़्यादा होगी तो प्री और मेन दोनों होगा, और यदि संख्या कम होगी तो केवल मेन का एग्ज़ाम सर इसमें होगा। सिलेबस सर डिसाइड इसलिए नहीं हो पा रहा है, हालांकि जल्दी से ये हो सकता है कि 19 फरवरी के बाद इसको डिसाइड कर दिया जाए कि क्या सिलेबस होगा। तो जहां तक उम्मीद है कि ये जो यूपी पहले कमीशन का एग्ज़ाम हो रहा था उसी पैटर्न पर कराया जाए। जी सर, तो मतलब जैसा आपने सुना सर के कहने का मतलब ये है कि आयोग, क्योंकि पहले जैसा सर ने बोला कि पहले परीक्षा जो होती थी लोअर पीसीएस की पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कराता था, पर अब की आयोग चेंज हुआ है इस वजह से सिलेबस अभी तक डिसाइड नहीं हुआ। पर सर ने जैसा लास्ट में आशा व्यक्त की कि शायद पैटर्न पुराने पेपर जैसा ही रहेगा, यह तो रही सिलेबस की बात, मतलब आशा करते हैं जल्दी ये निर्धारित हो जाएगा। तो दूसरा जैसे मैं यहाँ जानना चाहूँगा सर कि जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है क्या इस परीक्षा में कोई निगेटिव मार्किंग,
जी सर, इस समय तो यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से भी और लोक सेवा से भी जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें सर निगेटिव मार्किंग अनिवार्य हो गई है। जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें निगेटिव मार्किंग अनिवार्य हो है, तो इसमें भी निगेटिव मार्किंग होगी सर। जी बिल्कुल, मतलब कहने का अर्थ हुआ कि इस एग्ज़ाम में फिलहाल निगेटिव मार्किंग रहेगी। अब उसके बाद मैं यहाँ देखना चाहूँगा सर, जैसे यहाँ पे देख रहा हूँ हर पदों के लिए कुछ योग्यताएं चाहिए होती हैं, तो उस बात को देखते हुए सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसा हम ये सारे पोस्ट देख रहे हैं, क्या सभी के लिए एक ही प्रकार की योग्यता चाहिए या हमें मतलब योग्यताओं में भी कुछ स्पेशलाइजेशन है, कुछ विशेष कुछ है, तो आप मैं चाहूँगा वो थोड़ा मुझे क्लियर करें। जी सर, जैसा आपने कहा कि योग्यताओं में भी स्पेशलाइजेशन है, तो मैं एक जनरल चीज़ मैं बता दूं कि वैसे तो सारे जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं इस पोस्ट के लिए तो ग्रेजुएशन तो सबके लिए अनिवार्य है, लेकिन कुछ अलग अलग जैसे सहायक चकबंदी अधिकारी की पोस्ट है सर, इसमें ग्रेजुएशन तो है लेकिन इसमें एक अनिवार्य ये कर दिया है कि उसे ला ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। अच्छा। जी सर, यानी कि जो विधि स्नातक है या जो LLB है वही इस फॉर्म को भर सकता है, तो ये ला ग्रेजुएट इसके लिए अनिवार्य है। बाकी विपणन निरीक्षक और पूर्ति निरीक्षक के लिए इसमें केवल स्नातक होना ज़रूरी है या ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। अधिशासी अधिकारी के लिए सर एक इसमें भी ग्रेजुएशन होना तो ज़रूरी है, लेकिन इसमें आपने देखा सर यहाँ लिखा है अस्थाई। अस्थाई का मतलब हुआ कि इसके लिए एक ग्रेजुएशन के साथ साथ ओ लेवल होना आवश्यक है, लेकिन मैं सर आपको बता दूँ कि ओ लेवल अभी ज़रूरत नहीं है। यदि आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो उसके बाद जब तक आप ओ लेवल का प्रमाण पत्र नहीं जमा करेंगे तब तक आप अस्थाई रहेंगे, लेकिन जैसे ही आप ओ लेवल का प्रमाण पत्र दे देंगे इसके बाद आपको स्थाई कर दिया जाएगा। इसीलिए यहाँ 107 पद लिखा हुआ है और अस्थाई लिखा हुआ है, तो अस्थाई तभी होगा जब उसके पास ओ लेवल का प्रमाण पत्र हो जाएगा, लेकिन सर ये सिलेक्शन के बाद भी जमा कर सकते हैं। ठीक। राजस्व निरीक्षक के लिए सर जो कानून को कहते हैं, इसमें इकोनॉमिक्स की पोस्ट सर, मतलब वो उसका सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स होना आवश्यक है। जिला सूचना अधिकारी के लिए इसका चूँकि हिंदी की पोस्ट है तो इसमें सर ग्रेजुएशन में हिंदी होना आवश्यक है, और सहायक उद्यान अधिकारी के लिए केवल ग्रेजुएशन की ज़रूरत है। तो ग्रेजुएशन तो सबके लिए ज़रूरी है, लेकिन नगर इसके लिए अपर जिला सूचना अधिकारी के लिए हिंदी का होना आवश्यक है, अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत के लिए ओ लेवल का, और सहायक चकबंदी अधिकारी के लिए से ला ग्रेजुएट का होना आवश्यक है। थैंक यू सर, मुझे यकीन है सर ने जो कहा आपको बहुत ही साफ सुथरी जानकारी दी। एक बार शॉर्टकट में फिर से बताता हूँ, सर ने क्या कहा कि सहायक चकबंदी अधिकारी जिसकी आप देख रहे हैं 94 पोस्ट है, इसके लिए लॉ ग्रेजुएट होना ज़रूरी है, जबकि विपणन निरीक्षक पूर्ति निरीक्षक के लिए कोई कुछ नहीं, वैसे सामान्य ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए। अधिशासी अधिकारी जैसा सर ने आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, अधिशासी अधिकारी के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना ज़रूरी, पर इसमें एक शर्त है कि आपके पास ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और जब तक आप अगर आपका सिलेक्शन हो भी जाता है तो जब तक आप ओ लेवल का सर्टिफिकेट नहीं देंगे तब तक आपकी पोस्ट अस्थायी बनी रहेगी, जैसे ही आप सर्टिफिकेट देते हो आपकी पोस्ट अस्थायी मानी जाएगी। पर जैसा उन्होंने बताया कि राजस्व निरीक्षक, तो जो राजस्व निरीक्षक की पोस्ट है इसके लिए आपका ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स होना चाहिए, तो ये रहा ये। और जैसा उन्होंने बताया अपर जिला सूचना अधिकारी की जो पोस्ट है, जैसे आप देख रहे हो सूचना अधिकारी है, इसमें लैंग्वेज की बात होगी, इसमें आपका ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट हिंदी होना चाहिए ये इसमें, तो मतलब कुछ पदों में, बाकी तो ग्रेजुएशन ही है नीचे। तो आप क्या देख रहे हो कि लगभग सारे पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन तो चाहिए ही चाहिए, पर कुछ ऐसे पोस्ट हैं जिनके लिए कुछ विशिष्ट मतलब योग्यताएँ होनी चाहिए। तो बहुत मुझे यकीन है कि बहुत सटीक जानकारी होगी। तो और हम यहाँ देखते हैं ये तो क्या सिलेक्शन, ठीक है, तो हाँ ये तो सर पहले ही बता चुके हैं, आई डोंट थिंक स्कोप ज़रूरी है। तो मैं चाहूँगा सर कि इसके लिए जो उम्र की अर्हता है, जो एज एलिजिबिलिटी है, वो क्या है, मैं चाहूँगा आप उस पर भी थोड़ा शॉर्ट में हमें बताएं। एलिजिबिलिटी सर वैसे तो 21 से 40 साल है, लेकिन सहायक उद्यान अधिकारी के लिए 18 वर्ष की एज होनी चाहिए, 18 वर्ष यदि वो ग्रेजुएट हो चुका है 18 वर्ष की, इसके लिए 18 वर्ष की ज़रूरत है, बाकी सबके लिए 21 से 40 वर्ष की ज़रूरत है। तो मतलब सामान्य में सर ने बताया कि मतलब
जनरली ज़्यादातर मतलब लगभग सारे पोस्ट के लिए आपकी जो एज लिमिट है वो 21 से 40 के बीच में होनी चाहिए, 21 से 40 के बीच में होनी चाहिए। तो ये तो रहा एज अर्हता के बारे में। यहाँ पे सर जैसा लिखा हुआ है, एक प्रश्न इसमें है कि क्या इंटरव्यू होगा अथवा मेंस होगा कि नहीं, इस बारे में मुझे बताएं क्या वास्तव में इंटरव्यू जैसा कुछ है या मेंस होगा भी या नहीं होगा। सर जैसा मैंने बताया था कि जब इस बार क्या किया गया है, लोअर पीसीएस में 4200 के ग्रेड के ऊपर वाली जितनी भी पे स्केल थी वाली पोस्ट थी उसको अपर पीसीएस में रख दिया गया है। ठीक, तो अपर पीसीएस में रखने के कारण इसको जो है उसमें तो इंटरव्यू अनिवार्य कर दिया गया है, लेकिन लोअर पीसीएस यानी 4200 के ग्रेड पे के नीचे वाली जो पोस्ट थी उसके लिए इंटरव्यू सर अनिवार्य नहीं था। इसीलिए जब इंटरव्यू अनिवार्य नहीं है सर, इसमें जो आपका ये क्वेश्चन है कि क्या इंटरव्यू होगा, तो निश्चित रूप से इसमें इंटरव्यू ख़त्म कर दिया गया है। लोअर की पोस्ट के लिए सर इंटरव्यू ख़त्म हो चुका है। क्या मेंस होगा, हमने सर बताया कि नोटिफिकेशन में आया है प्री मेन अथवा मेन। हमने बताया संख्या पर अधिक होगी तभी प्री और मेन होगा, और अन्यथा केवल एक एग्ज़ाम होगा, मेन एग्ज़ाम होगा, और इसी मेन एग्ज़ाम के नंबर के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। यदि प्री एग्ज़ाम होगा तो मेन एग्ज़ाम फिर किया जाएगा, मेन एग्ज़ाम के आधार पर ही आपका सिलेक्शन किया जाएगा। मतलब कहने का शॉर्ट में मतलब ये रहा कि इंटरव्यू को लगभग इस एग्जाम से पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। अगर संख्या ज़्यादा रही तो मेंस का प्रावधान है, वरना केवल मेंस का प्रावधान रहेगा। ये तो रहा दोस्त, मुझे यकीन है ये जानकारी आपको बहुत सटीक रूप से काम आई होगी। तो ये रही सामान्य जानकारी इसके बारे में। हमने मतलब सर ने आपको इसे लोअर पीसीएस क्यों कहा जाता है, पे स्केल्स क्या हैं, पदों के वरीयता क्रम से क्या मतलब है, इसका सिलेबस कैसा रहेगा या अभी डिसाइड होगा, निगेटिव मार्किंग है कि नहीं, योग्यता अर्हता, इन सब बारे में काफ़ी जानकारी दी। आई होप गाइज की जानकारी काफ़ी काम आई होगी। और गाइज जैसा कि मैं चाहूँगा वागेश सर भी मेरे साथ हैं, वो भी आके थोड़ा आपको जानकारी दें कैसे क्या है बैचेज इत्यादि के बारे में। सर आइए प्लीज। हेलो गाइस, वेलकम टू चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद। हम सबका ये प्रयास है कि आपको सटीक और सही जानकारी मिले। जैसा कि चंद्रा इंस्टीट्यूट आप सबके बीच में इसलिए पॉपुलर है कि जो हम जानकारी देते हैं वो सही देते हैं, भले ही थोड़ा टाइम लें लेकिन आपको सही व सटीक जानकारी दें, ये एक कोशिश होती है और ये हमारा एक प्रयास था। कैसा लगा ज़रूर कमेंट करिएगा ताकि हम आगे अन्य वैकेंसीज़ के लिए भी इसी तरह से आपको जानकारी प्रोवाइड करें और आपकी हेल्प करें। और एक बात और मैं कहूँ कि इसके जो बैचेस जो हैं, हम ऐसे एक्सपर्ट हम आपको देने जा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे एक्सपर्ट आपको देने जा रहे हैं कि बहुत, देखिए मैंने आपसे पहले भी बातें की है कि प्रश्न वो हो जो परीक्षाओं में आ जाएं, फसाऊ हो, जिसको आप फसाऊ बोलते हैं एक देहाती भाषा में, ठीक है, टू द पॉइंट हो, टू द पॉइंट, ठीक है। ये यार पढ़ाने के लिए सब पढ़ा रहे हैं, टीच सब कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा कुछ अलग, तो वो चीज़ें हम आपको डिलीवर करने जा रहे हैं और आप लोग खुद ही बताएंगे। शेष जो बैचेस हमारे हैं, आप इसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, बैच जो हमारे प्रारंभ हो रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैच हैं, घर बैठे भी आप पढ़ सकते हो, ये व्यवस्था हम आपको दे रहे हैं तमाम भाई बहनों को, बिल्कुल हेल्प करना ये हमारा उद्देश्य है। 12 फरवरी व 18 फरवरी से बैच हमारा है। व्हाट्सअप नंबर ये है, इस व्हाट्सअप करिए आप और पूरे इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, अकाउंट नंबर पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा। ओके गाइस, और एक बात आपको ये बता दें कि हम आपको जो अगर आपको डेमो चाहिए, सभी टीचर्स के हमारे एक्सपर्ट के, तो हम आपको डेमो भी दे देंगे। इस पर आप व्हाट्सएप लिखिए, डेमो क्लास लोअर पीसीएस डेमो क्लासेस आप लिखिए, सभी टीचर्स के हम डेमो दे देंगे और आप बिल्कुल आपका मन खुश हो जाएगा, बहुत खुश हो जाएगा कि इतने कम फी में इतने अच्छे टीचर चंद्रा इंस्टीट्यूट ये कैसे मैनेज कर लेता है, कैसे, जैसे आप हमेशा आपको आश्चर्य होता है ना कि चंद्रा इंस्टीट्यूट कैसे इस तरह के हीरा जैसे टीचर ला देता है। तो बाय द वे वो चीज़ें आपको मिलेगा, वो खुद ही आप देखेंगे, हम तो आपको डेमो दे रहे हैं ना यार कम से कम फी में, ठीक है। तो आप इस पर व्हाट्सअप करिए और आपको हम कंप्लीट डेमो देंगे। देखिए एडमिशन जो हम आपका ले रहे हैं, याद रखिएगा जो एडमिशन ले रहे हैं वो हम आपका 12 तारीख से लेकर 18 तारीख के बीच में आपको एडमिशन लेना रहेगा, ठीक है। और 12 तारीख यानी 12th फेब को हम आपको डेमो दे देंगे, 12th फेब को आप व्हाट्सअप करिएगा, डेमो आपके व्हाट्सअप पर आपको मिल जाएगा प्रॉपर, खुद ही आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे।
शेष अगर आपको कोई और भी डाउट है, जो प्रश्न सर ने बताया, कहीं से कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कर दीजिएगा आप, आपके प्रश्नों को भी लिया जाएगा और आपका प्रॉपर जवाब दिया जाएगा। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच।